गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सब माई भाई फतेह का सिमरन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज सारियां संगतां इस पावन स्थान रतवाड़ा साहिब विखे बहुत ही प्यार अते श्रद्धा नाल सत्कार जो पूजनीक माता जी का पितृ जन्म दिहाड़ा मना रही हैं। करीब 11 बजे तो लैके हुण तक आप जिया ने गुरबाणी दे रस पिने कीर्तन, नाम दी महिमा, सत्कार जो माता जी दे जीवन दे अमोलक बचन अमोलक जीवन बारे बड़े प्यार नाल सरवण कीता। अज दे समागम विच जिथे दूर दराडे तो हर जगह तो बेअंत संगतां इस स्थान ते पहुंचियां ने, उत्थे बहुत सारे जथे महापुरख अते ओ गुरमुख प्यारे जेड़े राजनीतिक दे विच भी समाज की बड़ी वड्डी सेवा कर रहे ने, उन्होंने भी हाजरी लवाई है। जिवें कि जथेदार बडाली साहब और डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, सरदार मनमोहन सिंह कंग, होर किन्ने प्रेमी और लौरा वाले महापुरश आए, होर किन्ने जथे आए। ये सब प्यार है, खिच है माता जी दे प्यार दी और उन्हां दी कमाई। कुछ विचार शुरू करन तो पहला आओ आपां माता जी दे जेड़े माता जी जिन्हां दा नां सी सत्कार योग माता हरनाम कौर जी और आप जी दे पिता संत बाबा हीरा सिंह जी दौतपुर वाले, आपां उन्हां नूं सीस झुकाईए और उस माता हरनाम कौर नूं भी आपां धन आखीए, क्योंकि जो महापुरश हुंदे ने, संत हुंदे ने, वो शरीर नहीं हुंदा, चाहे शरीर भाई दा है चाहे शरीर बीबी दा है। कई बार असीं भुलेखे विच रहिंदे आ, संत एक अवस्था है जिथे साडे संत महाराज जी और महापुरश ब्रह्म ज्ञानी उस तरह ही साढ़े माता जी जिन्हां दी कमाई बेअंत है, जिन्हां नूं असी अखबारां विच आत्मार्ग मैगजीन विच भी संत माता जी लिख के सत्कार करने आ, आओ उन्हां दे माता जी नूं भी पहलां धन आखिए जिस घर विच उन्हां दा जन्म होया, जिथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरश उन्हां दे पिता जी संत बाबा हीरा सिंह जी और जेकर आप जी दे पति परमेश्वर संत महाराज जी रतवाड़ा साहिब वाले, और फिर माता जी दी किन्नी कमाई है। आओ सारयां ने शब्द च बोलना है, कोई भी रचना खाली ना रहे। सब तो पहला आपां माता जी दे माता जी जाए कह दिए कि अपनी नानी जी नूं आपां शीश झुका रहे हैं सारे, और कोई रचना खाली न रहे। तिन धन जनेंदी माओ,
तिन धन जनेंदी माओ धन जनेंदी माओ धन जनेंदी माओ आए सफल से 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 सफल से आए 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 सफल से तन जनेंदी माओ तिन तन जनेंदी माओ तन जनेंदी माओ तिन तन जनेंदी माओ तन जनेंदी माओ तिन तन जनेंदी माओ तन जनेंदी माओ तन जनेंदी माओ दिलो मोहब्बत जिन से सच्चे आ जिन मन होर लुख होर से कांडे कच्चे रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते होए पार थिए आप लिए लड़ लाए दरवेश से तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से परवदगार अपार अगम बेअंत तू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मू तेरी बनै खुदाए तू बख्शंत भी जिन्ना पछंत तेरी बनै खुदाए तू बख्शंत की शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से ओ माता धन
ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮੋਟ ਨਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਨਰਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਸਨੇ ਮੰਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਪਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਜੇ 300 ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 300 ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ 200 ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ 250 ਲੈ ਲੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਆਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜੁੱਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੀਲ, ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਇਹ ਜੋੜਾ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਉਹ ਅਸਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ, 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆ ਮਾਂ। 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਰਮੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
शरीर करके साड़ियां इन्हां अखां तों कुछ समा पहला अलोप हो गए, पर ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है, नहीं मरता। वो सदा ही नाल ने, सदा ही अंग संग ने, और जिथे महापुरशां दी तपस्या ते बंदगी उसे तरह सत्कार जो माता जी दी कमाई बंदगी है, संत महाराज जी ते सत्कार जो माता जी दी कमाई सदका इस स्थान दे जिन्ने अदारे चल रहे ने, ए जो कुछ हो रहा है, ए संगतां जुड़ रही ने, ए संत महाराज ते माता जी दी कमाई करके ही। आप जी माता जी जिन्ना ने जिस वेले घर विच रहे उस वेले माता पिता दी आग्या मन के और एक नेक ती बन के संसार नू एक ऐसा संदेश दिता कि ती किस तरह की चाहिदी है। और जब संत महाराज जी दे जीवन साथी बने उस वेले संसार नू ऐसा संदेश दिता कि अपने पति परमेश्वर की आग्या विच रह के किवें मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के सारा जीवन साथ देना, चाहे सिंध का समा सी, जो महापुरशां ने अपने जीवन दे विच सिखी का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया, उहदे अंदर सत्कार जो माता जी का बहुत वड्डा साथ है। सिंध दे विच प्रचार होया तां सत्कार जो बीजी माता जी नाल ने, जे आप जिया ने सर्विस कीती है तां उस वेले भी सारा जीवन साथ दिता है। जिस वेले चंडीगढ़ आप जी सर्विस करदे, उस तो पहला पटियाले सर्विस करदे, राणा साहब वाले संत महाराज जी दे दीवान आप लवाउंदे, पटियाले तो बाद चंडीगढ़ आए सैक्रेटरीएट सर्विस कीती, उस वेले भी सारिया जिम्मेदारियां माता जी ने निभाइया। माता जी दे जिम्मेदारियां निभाउण करके ही महापुरशां ने एडी वड्डी पद्धर ते प्रचार कीता, जिथे अज सारिया संगतां नू केवल इत्थे बैठियां संगतां नू नहीं, देश विदेश दियां संगतां नू लख लख वधाइयां अज मिल रहियां ने। उत्थे महापुरशां दा परिवार, वीर मनजीत सिंह जी, वीर निरपजीत सिंह जी, भैन बलदेव जी और छोटी भैन रूपी जी, उन्हां नू भी लखां वधाइयां सारियां संगतां दे रहियां हन। और माता जी दी असीस ते आशीर्वाद वास्ते सारियां संगतां अरदासां कर रहियां ने। अज आपां यही अरदास करनी है कि जिथे बहुत लंबा समा माता जी ने संगतां नू असीसां दित्तियां, साथ दित्ता है, प्यार दित्ता है, वाहिगुरु जी कृपा करन उत्थे होर भी वध तो वध समा उह संगतां नू बख्शन, दे अरोगता होवे और लम्मी आजू। वैसे तो किन्नी कि लम्मी आजू मंगने आपां, और जे ये कह दिए ना कि संतां दी उम्र किन्नी हुंदी है, संतां दी उम्र रब जिन्नी हुंदी है। जदों असीं बाणी च पढ़ने आ ना, ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता, ते संतां दी उम्र प्यारे रब जिन्नी हुंदी है, उहदे विच अभेद हुंदे ने। शरीर करके भी वह वध तो वध समां सानूं देण, संगतां नूं असीसा देण, ये आपां अरदास साध संगत जी करनी है। बेनती कर रहा सी दास, चंडीगढ़ जिस वेले आप जी आए, संत महाराज जी राणा साहिब ने दीवान लगाया करदे, सारी संभाल आप जिया ने करनी, और उस दे नाल जिस वेले रात का बहुत समा हो जाना, दीवान तो बाद संगत नूं संभालना, जिथे दी सेवा करनी,
अपने प्यारे महापुरश अते माता जी राणा साहब दे महापुरश जिसले अमृत वेले उठदे ते आप जी किथे पै जांदे सी अगे ओ पौड़ी दे अगे रस्ते दे अगे किते ऐसा ना होवे कि सानू उठन विच देर हो जावे। ये महापुरश दस्या करदे संत महाराज जी जिसले राणा साहब उठदे आप जिया ने दरवाजे दे बाहरले पासे अपने महापुरश ते माता जी अगे पै जांदे सी। कई बार संत महाराज जी राणा साहब वाले देखना भी ये बहुत थके ने ते हुणे कुछ मिनट होए ने पिया नूं ते असी सहज नाल लंघ जाइए अगे ये थोड़े मिनट होर भी आराम कर लैण पर जगह नहीं सी छड़दे किते ऐसा ना होवे कि संत महाराज कोलों दी लंघ जाण उत्तों दी लंघ सकदे सी लंघ नहीं सी लंघ सकदे भाव उस वेले उठ बहना और सेवा च फिर लग जाना। प्यारे करजा लै लेना करजा लैके दवान नवाने खर्च करना कोलों देखो ते जदों साल दे विच छे महीने दे विच सारा करजा पिछला जो सर्विस करदे सी माया उहदे दिन लै जाना ते फिर संत महाराज जी राणा साहिब जाके बेनती करनी कि सानू फिर दवान दे दो। देखो ये जीवन साथी ऐसे माता जी महापुरशां दे जिन्हां ने सारा जीवन जिहड़ा है सासज महापुरशां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के यूपी दे विच जिस वेले आप जी गए और ये कह दिए कि भावें सतकारजो माता जी का शरीर बीबी का शरीर है पर आप जी उत्थे शेरां वांगू मर्दां वांगू रहे उत्थे कल्ले रहना जंगलों में कोई सौखा नहीं सी पर सतकार जो बीजी उत्थे जिवें शेरां वांगू मर्दां वांगू रहे और महापुरशां दे नाल और घर घर जाके जिहड़ा प्रचार किया उत्थे जे कह दिए सारा जीवन महापुरशां दे नाल। भाई साहब भाई गुरदास जी का बचन और धन गुरु ग्रंथ साहिब का जिहड़ा बचन आउंदा है जन्म मरण दोहों में ना ही जन पर पकारी आए जी दान दे भगती नन हर सिओ लैन मिलाए भाव उन्हां दा सारा जीवन ही पर पकार। भाई साहिब भाई गुरदास जी कहिंदे गुरमुख जन्म सकार था। कई बार असीं सोचने हाँ कि शायद ये संत शब्द जां गुरमुख शब्द भी इधर नहीं लगता। प्यारे ओ जेड़े बंदगी वाले हन गुरु घर दे विच देखिया जावे ये गुरु नानक साहब का घर है जिथे गुरु के संता महापुरशां ने सिंघां ने कमाई कीती है सेवा ते सिमरन करके किन्नियां संगतां नू शब्द गुरु नाल जोड़िया है उत्थे गुरु घर विच ओ सिंघणियां ओ मतावां ओ बीबियां किन्नियां होईयां ने प्यारिओ जिन्हां ने सारा जीवन गुरु सेवा लेखे विच लाया है आपां उन्हां नूं सीस झुकाउंदे आ आपां उन्हां नूं नमस्कार करने आ उन्हां दीआं कमाईआं नूं ओह गुरमुख शब्द जिहड़ा है सांझा शब्द है ओह बंदगी वाले प्यारिओ संत ने ओह गुरमुख ने ते ओह काहदे वास्ते आए ने। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी बाणी च फरमान करदे ने गुरमुख जन्म सकार था पर पुकारी सहज सुभाई आ बचन करदे ने जिहड़े बचन सतकार जो माता जी दे उत्ते टुकदे हन। गुरमुख जन्म सकार था पर पुकारी सहज सवाई गुरमुख जन्म सकार था सहज सवाई गुरमुख सकार था पर पुकारी सहज गुरमुख जन्म सकार था पर पुकारी सहज सवाई सकार था पर उपकारी सहज
ਸਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰ ਥਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰ ਥਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰ ਥਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸਵਾਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪਰਮਕਾਰੀ 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 ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪਰਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪਰਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪਰਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪਰਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸਵਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸਵਾਈ ਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਨਮਸਕਾਰ ਥਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮਸਕਾਰ ਥਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮਸਕਾਰ ਥਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮਸਕਾਰ ਥਾ ਪਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਅੰਦਰ ਬਿਰਖ ਹੋਏ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜਲ ਪੈਰ ਟਕਾਏ ਉੱਪਰ ਚੂਲਾ ਚੰਟਲਾ ਠੰਡੀ ਛਾਓ ਸੋ ਥਾਉ ਸੁਹਾਈ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਸਹਿ ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਨਿੱਚ ਲਜਾਈ ਫਲ ਦੇ ਵੱਟ ਵਗਾਇਆ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਲੈ ਲੋਹੋ ਤਰਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰ ਥਾ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿਥਕੇ ਪਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਿਛੜ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਜੀਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਸਾ ਅਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਸਨ, ਕਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਕੱਚੇ ਰਾਹ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੰਘਣਾ, ਔਰ ਕਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲਾ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਘੋਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਣਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ,
ਭਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇਹਾਂ ਵਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਆਪ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੁਰਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦਈਏ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਖੇਚਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਰਲੀ ਬਚਨ ਸਿੱਧੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੁੱਗੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਛੱਡੋ ਬੀਬੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਨਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾੜੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਉਹ ਬਚਨ ਢੁਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰ ਥਾ ਪਰਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪਰਪਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੈਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਐਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
सड़िया है की अग च साधु निर्वैर होंदे ने की अग च साधु निर्वैर जग सड़िया है वैर की अग च साधु निर्वैर होंदे ने साधु निर्वैर होंदे ने साधु निर्वैर पंडित होए जग प्रबोधी है गुरमुख आप गवाए अंदर सोधी है गुरमुख सत संतोख ना काम क्रोधी है गुरमुख है निर्वैर ना वैर विरोधी है चौ वरना उपदेश सह समोधी है गुरमुख है निर्वैर ना वैर विरोधी ऐसा जीवन है सत्कार जो माता जी का जिन्हां दी बहुत सानू देन है अज सारियां संगतां जो प्यार इत्थे पहुंचियां देशां विदेशां दियां संगतां इंटरनेट ते भी ये प्रोग्राम प्यार वाला सरवण कर रहियां ने और सत्कार जो माता जी वल्लों सारियां लखां संगतां नूं धियां पुत्तरां नूं आशीर्वाद ते असीसां साध सकत जी मिल रहियां हन अज जो नरसिंह कालज दा इत्थे नींह पत्थर रख्या गया है सारे ट्रस्ट ने ते सारियां संगतां ने ए विचार कीती कि इत्थे जिहड़ा नर्सिंग कॉलेज जिवें होर अदारे चल रहे हन बीएड कॉलेज चल रहा है और गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर जो महापुरशां ने आप नाम रखिया सी किवें उत्थों दे जिहड़े स्टूडेंट ने उह किन्नियां तरक्कियां कर रहे किवें सोहणी उत्थे पढ़ाई हो रही है दूसरा स्कूल महापुरशां दे नां ते संगतां ने जो इत्थे शुरू कीता और वह भी स्कूल बड़ा तरक्कियां विच जा रहा है बीड कॉलेज है फ्री डिस्पेंसरी चल रही है थोड़े समय तक जो हस्पताल की बिल्डिंग कुछ समा पहला बनी सी उहदी हुण तैयारी हो रही है वह हस्पताल जिहड़ा है उधर चालू हो जाएगा अते इस दे नाल ही जो दर्शनी ड्योढ़ी है और ये खब्बे ते सज्जे दो पासे बिल्डिंग करीब 300 फुट के करीब ये बिल्डिंग की लंबाई है और सेंटर विच दर्शनी ड्योढ़ी बनेगी खब्बे सज्जे 3 मंजिल जिहड़ी बिल्डिंग है वह बननी है थले पार्किंग होएगी जो ग्राउंड फ्लोर है सेवा चल रही हैं ये दर्शनी ड्योढ़ी दी और इस इमारत दी ये सारियां ही
सारी संगत और ट्रस्टी जिथे हर वेले अरदास जुड़े रहिंदे ने इस स्थान वास्ते उत्थे सत्कार जो माता जी की आशीर्वाद लैके ही साध संगत जी जदों असी धन गुरु ग्रंथ साहिब अगे अरदास करने आ हुक्मनामा लैने आ क्योंकि सब दे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हन फिर असी माता जी तो आशीष लैके ओटा लैके इत्थे जो सिंह पहुँचते ने फिर अरदास हो के नींह पत्थर रखे जाते हैं। सो ये सारे अदारे उन्हां दी कृपा नाल चल रहे ने और अज जो नरसिंह कालज का नींह पत्थर रखा गया कल सतकार योग माता जी जिन्हां दे कोलों पंज इट्टां बेनती करके उन्होंने हथ ला के दित्तियां सो वो अज अरदास करके पंच सिंघां दे राही नरसिंह कालज का नींह पत्थर रखा गया और ये विचार होई कि इस नरसिंह कालज का जिहड़ा नाम है जिथे असी अज बड़े प्यार ते श्रद्धा नाल सतकार जो माता जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं और नरसिंह कालज का नाम ही जिहड़ा है वो माता जी के नाँ ते रख्या जाए इस करके इस नरसिंह कालज का नाँ जिहड़ा है माता रणजीत कौर नरसिंह कालज रख्या गया। बाकी दे नाल ये अपने अक्षर जोड़ लैणगे अगे जोड़ लैण पर पहला नाँ जिहड़ा होएगा वह सतकार जो माता जी का सत्संग जी होएगा। सो सारिया संगतां नूं बेनती है आप जी धन गुरु ग्रंथ साहिब अगे अरदास करो कि सानू जिथे होर इन्ना समा प्यार मिलिया जिवें मैं तो बहुता गीत अगे सुनिया नहीं कहिंदे इक गीत भी है माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वाले हो। सो गुरु ग्रंथ साहिब अंदर ते माँ दे बेअंत बड़े प्यार शब्द आउंदे ने जिवें जिथे उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं बेअंतनावां नाल कोई याद करदा कोई गोबिंद कहिंदा कोई ठाकुर कहिंदा कोई बेठला कहिंदा वाहिगुरू असीं कह के याद करने आ होर बेअंत नाम गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर हन उत्थे उस मालक नूं वाहिगुरू नूं माँ करके भी बहुत याद किया जाता है कई तो मंद ही उस नूं माँ ने। सो असी भी माता जी का जो सत्कार सारिया संगतां दे प्यार है साड़ी अरदास है और माता जी वालों सारिया नूं जो आशीष ते आशीर्वाद मिल रही है साड़ी अरदास है कि ये बहुत समा संगतां नूं इसे तरह आशीषा ते आशीर्वाद मिलते रहन। दास तो पहला बाबा हरपाल सिंह जी उन्होंने फटाफट ही फतेह बुला दिती सी वैसे दोवें जथे बीबिया दे उन्होंने भी लगना सी फिर होया कि समा बहुत हो गया तो उन्होंने कहा कि असी अपना समा जिहड़ा वो तुहानू देने आ ते सो मैं उन्हों का समा लाया जे अपना तो लाया नहीं मैं अपना तो मेरा शुरू होना है क्योंकि मैं जिहड़ा समा लाया वो बीबिया का लाया तो बाबा हरपाल सिंह जी का भाई सुखिंदर सिंह जी का लाया सो हुण मेरा समा शुरू हो रहा है तो मैं अपना समा इन्हों देना कि अगे तो उन्हें फतेह बुला ली सी बाबा हरपाल सिंह ने हुण नहीं बुला सकते तो दस मिनट लाउण वो क्योंकि मैनू इन्हें समा दिता है तो मेरा हुण समा शुरू हुंदा है मैं अपना तुहानू देना भाई दस मिनट ही लाउण बाकी भी दो दो चार मिनट ला आपां पंज वार अरदास करांगे कोई गल नहीं। सो हुण मैं अपना समा इन्हां सारिआं नूं देना कि यह समा बाकी लाउण दास कोलों बेअंत बिंद भुल्लां हो गईआं होणगीआं आप जी अनजाण बच्चा सद के खिमा करना अरदास करना असी सारे क्योंकि 9 दसंबर का जिहड़ा इत्थे जो वड्डा समागम होया सी ए जो अदारे हुण नवे शुरू होए ने सत्संग मैं एक बेनती करा ये कोई ऐ नहीं कि एक दी वड्याई है ये संत महाराज जी ते माता जी की कृपा दे नाल उन्हां दे आशीर्वाद नाल असी सारे उन्हां दे बच्चे इकट्ठे हो के लगे हाँ सारियां संगतां दे करके सारे ट्रस्टी सारे स्थान वाले इकट्ठे हो के ते और माता जी दे आशीर्वाद लै के ये जिन्हें भी प्रोग्राम हैं जिन्हें भी अदारे नवे शुरू होए ने वो किसी ए नहीं भी ये करके ज फलाने करके नहीं उन्होंने शीस करके होए है सारिया संगतों का सहयोग है सारे ही असी उन्होंने बच्चियाँ कट्ठे हो के सेवा विच सारे लगे ने आशीर्वाद सत्संग जी माता जी की है इस करके अज इत्थे ये ट्रस्ट का फैसला होया सी जिन्निया भी संत महाराज दियां पुस्तकां हन आत्म मार्ग है होर भी जिन्ना लिटरेचर है वो सारा ही अद्धी पेटा ते संगत दिता जाएगा इस करके आप जी जिहड़े अजे भी आत्म मार्ग के मैंबर नहीं बने जां पुस्तकां नहीं लईआं
भाई एक मूलक बचन है वह पुस्तक लो आप पढ़ो दूसरे पढ़ाओ आत्म मर के मैंबर आप बनो दूसरे बनाओ। इन्हों बेनतियों के नाल ही आप जी तो मैं खिमा मंगना और जिन्होंने समा मैनू दिता भाई मैं अपना समा हूँ उन्होंने दिना जरूर वह दसंगतों के दर्शन कर प्यार फतेह बुलाओ। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी का चलो मेरी भी बेनती मान लो हूं खैर सला कोई गल नहीं मैं तो बचन मान लिया चलो करो मैग लिया वाला गुरु का दरबार है। होर थोड़े जे मिनट ने इन्हां दे विच ऐसे जिवें महापुरशां ने इन्ना प्यार भरिया ये माहौल सिरजिया है अरदासां होणियां ने ते तुहाडियां भावनावां ने किन्नी किन्नी दूर तो तुसी चल के आए हो। सो थोड़े जे मिनट दी चंद क मिनट होर लगने ने समाप्ति का समा है। किड्डी दयालता कृपालता इन्होंने की है क्योंकि हुणे गुरस्तोत्र पढ़ के अरदास हो जाती सोहना सी पर होर भी इन्होंने सोहना माहौल बनाया है कि बीबिया जो महापुरशां दे समय तो ही किन्ने प्यार दे नाल ऐसे मौके ते खुशियां दे गीत गाउंदियां आ बीबी चरणजीत बीबी उजागर कौर इन्हां दा समा है। सो थोड़े थोड़े मिनट इन्हां ने लाउणे ने ते अरदास हो जाणी है। आखिर दे विच जिवें सतपुरशां ने बेनतियां कीतियां ने कि अज दे इस खुशी दे माहौल दे विच तुसी दूर दराज तो पहुंचे हो किन्ने प्यारे बचन आए ने कि इत्थे परोपकार दे वास्ते आ सारे कार्ज हो रहे ने। बीबिया नूं बेनती है कि नाल ही गुरस्तोत्र पढ़ देणगियां ते नाल ही कोई शब्द पढ़ लैण ते अरदास छेती हो जावे। सो उन्नी क देर जिनी देर जथा पहुँचदा है बेनतियां ने कि जांदे जांदे जरूर महापुरशां दी प्यार भरी पत्रिका लैके जायो। सतपुरशां दे बचना तो बाद कोई बचन नहीं पर जो ये बचन लिखत दे विच आ गए ने वो बचन ये आत्म मार्ग मैगजीन दे विच मिल रहे ने। जिन्नियां पुस्तकां ने ये सारियां अज अद्धी भेटा ते उत्ते दित्तियां जा रहियां ने। सो ये प्यार भरी भेट सारे तुसी लै के जायो। फिर आखिर दे विच तुहाडे सारयां दा धन्नवाद ही है। सो डॉक्टर साहब करदे ने सो सारियां संगतां नूं बेनती है कि महापुरशां दे इस पवित्र पावन स्थान ते जिवें अज असीं परम पूजा सत्कारयोग बीजी दा शरीरक जिहड़ी उम्र है 95 साल पूरी हो चुकी है इस तरह दे नाल गुरु कृपा करन ए आपां हर साल ही खुशी दे नाल इस तरह दे नाल दिन मनाउंदे रहिए इस तरह दे नाल आपसी प्यार ये भाईचारक सांझ सारे जिन्ने सेवादार ने जिवें सतपुरशां ने दस ही दिता कोई बचन नहीं रह जाते पर जिहड़े ये लिखत च बचन हन ये जरूर तुसी लै के जाने ने। सो फिर आखिर दे विच सारयां नूं दिल दीआं गहराइयां तों अज दे इस मुबारक दिन की लख लख बधाई होवे। फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा
वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। किसी का एक मोबाइल है मेरे को जिदा भी हो निशानी दस के लै लवे, एक चाबी है और जिदी भी हो निशानी दस के लवे। लो डॉक्टर, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अपार बख्शिश होई है नरोल गुरमत समागम के रूप विच ते उस माता जी दे सारे बच्चे टोटल अज इकट्ठे होके वह पवित्र दिहाड़ा मना रहे हैं। जदों सिख इतिहास की गल होनी है, सिख इतिहास के अंदर जिथे मतावान का रोल नहीं होएगा तो इतिहास अधूरा होएगा। जदों रतवाड़ा साहब वाले महापुरखों की जीवनी लिखी जाएगी जां रतवाड़ा साहब का इतिहास लिखा जाएगा तो जदों माता जी का जिक्र नहीं आएगा तो वह भी अधूरा ही होएगा। अपनी विरासत है, जदों गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी ने लंगर की स्थापना लंगर अगे चालू करिया तो माता खीवी जी ने इंचार्ज बनाया सी। याद करो, कोई गल दावे नाल की जा सकती है जिहड़ी सामने दिसदी होवे उत्थे किसे प्रमाण की लोड़ नहीं हुंदी। गुरु अंगद देव पातशाह महाराज लंगर के इंचार्ज माता खीवी जी ने बना रहे ने, गुरु का लंगर है तो इधर शब्द लंगर जिसका उद्घाटन जिसका रिलीज आत्म मार्ग मैगजीन दे माता जी दे हस्त कमलों नाल होया। ते लंगर अधूरा छड़ना भी माड़ा समझा जाता है ते शब्द लंगर आत्म मार्ग भी लैके पूरा पढ़ना वह भी चंगा समझा जाएगा, वह भी अधूरा जो कोई छड़ेगा तो वह भी गलत होएगा। तो आओ प्यारियो, आओ माता जी का जन्म दिहाड़ा आप मना रहे हैं, बड़ी खुशी की गल है। आत्म मार्ग मैगजीन पुस्तक जदों फड़ लिया ता सारा पढ़ना है, तो जिमें शब्द लंगर है गुरु का लंगर है वह भी पूरा छकना चाहिए, इस तरह शब्द लंगर भी पूरा छकना चाहिए। हुइयां पुल्लां दी खीवां, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Oh, oh, oh.
जाने
मेरी माए
आनंद पया मेरी माए प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया राग रतन परवार परियां शाबत का बढ़िया आईया तो दया के आर
अरदास हमारी जियो कह नानक सब तेरी वड्याई कोई नान वाहे गुरु अरुणा जी सतनाम श्री वाहे गुरु अरदास को अंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौनि दे आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दे पावन स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदारियां दा ध्यान तरके बोलना जी वाहे गुरु आप जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख सुन के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पितर कमाईयां दा ध्यान तरके बोलना जी वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल सी चरवाए माईयां बीबियां ने जेड़ां दे सवा समण पीसणे पीसे खन्नी खन्नी टुकड़े ते गुजारा कीता बच्चियां दे टोटे करवा करके गलां दे विच हार पवाए धर्म नहीं हारिया असह ते अकह कटसार दे पंथली करवानियां दितियां पीदा पाणा मिठा करके मनिया मुखों सीना उचारी तिना माइया बीबिया पुचंगिया सो संता महापुरखा दिया पितर कमाईया दा ध्यान धरके बोलना जी वाहे पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दे दर्शन दीदारियां दा ध्यान धरके बोलना जी वाहे प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को आहे गुरु आहे गुरु आहे गुरु चिते आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रछिया रियात देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी वाहे बख्शो सिखानू सिखी दान केस ना रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार सासंग जी बोलना जी वाहे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पादा राखा पकाल पुरख वाहिगुरु जीओ हे नवाणिया दे मान ताणिया दे तान ओटिया दी ओट तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दी अपार अपार बख्शिश होई है संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल कीता आप जी वल्लों बख्शे स्थानां दे उत्ते सतगुरु साहिब जीओ सूं संगत वल्लों आप जी दे दर कर दे प्यारे महापुरख तिन्हां दे जीवन साथी संगतां संगतां दे माता जी सत्कारयो संत माता रणजीत कौर जी उन्हां दे पवित्र जन्म दिहाड़े समूह संगत वालों आप जी वालों बख्शे स्थानां दे उत्ते गुरमत समागम दे रूप विच मनाए गए हन समूह संगतां वालों सतगुरु साहिब जीओ
आप ही दी आप जिया दे चरणा दा ओट आसरा लिया है। आप ही दी हजूरी दे विच कथा कीर्तन बख्यान होए सत्कार युग माता जिया दे पर उपकारी जीवन ते चानना पाया गया है। गुरमत विचारा होइयां होइयां भुलां खिवां करनियां दिते गए उपदे जिंदगी दे अंदर कमाउण दा बल प्यास शाह बख्शणा आईया संगतां दियां हाजरियां लेखे दे विच लाउणियां तिल पल बटावां दर ते प्रवान करनियां ऐस पवित्र जन्म दिहाड़े दे उत्ते सूं संगत आप ही दा ओट आसरा लैंदे होए अरदास बेनती जोदड़ी करदे हन सतकार उग माता जी आनू दे अरोगता दीर्घ आयु बख्शनी तां जो संगतां नू असीशां दे के इसे तरह निहार करदे रहन। आप ही ने कृपा करनी इसे तरह संगतां नू माता जीआं दा प्यार असीसां मिलदियां रहन। पूरन दे रोगता दी बख्शिश करो इना समागवां दे दौरान बहुत सारियां संगतां वल्लों गुरु के लंगरां विच होर अनेकां तरह दियां सेवावां कीतियां हन सारियां दियां सेवावां कालना थाएं पौनियां बिघना दे नाश भजन वाणी दे प्रताप बख्शने अंग सहायता करनी चढ़दियां कलां बख्शनियां सू अदारियां नू प्रबंधकां नू सेवादारां नू चढ़दियां कलां बख्शनियां सिरां ते मेरां परे हथ रख के अपने दर कर दी सेवा लैंदे रहना किरपा करनी। होर भी संगतां वल्लों अरदासां बेनतियां होईयां गुरु के लंगरां दी सेवा होई है देगां दी सेवा होई है अरदासां बेनतियां जोदड़ियां गुरमत अनुसार सो मनोकामनावां संपूर्ण करनियां बख्शियां दातां विचों पंच कुड़ाव साधी दे सजके हाजर होई आप जी भोग लावो भोग लग्या सीत प्रसाद सू संगत चवरतां दी आग्या बख्शो प्यारे हुक्मनामे बख्श के सत संगतां नूं निहाल करो सही गुरुंग प्यारे मेलो जिन्हां नूं मिलते आप ही दा ही नाम चिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पहिया काल की तवै चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को बिलवो चहै खोज शब्द मैं राज करेगा खालसा आकी रहे ना को ख्वार होए सा मिलेंगे वच शरण जो वाहिगुरु नाम जो हाज है चढ़े सो तरे जो सरदा कर सेवंदे गुरु पार उतारना जो सरदा गुरु सेवंदे गुरु पार उतारना बोले ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਮੰਤਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਰਦਾਸ ਜਸਵੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁੜਨ ਲਈ ਰਜਵੰਤ ਬੀਬੀ ਗੌਰੀ ਸਮਤ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਦੀਪ ਕੌਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਾਜ ਛੁੱਟਣ ਬਾਣੀ ਸਮਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਲਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੁਣ ਲਈ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰੰਗ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਪਰਾਂ ਸਫਲਤਾ ਰਸੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਘਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਜ਼ਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾਤ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾਤ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਸੁਣੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਾਜ ਰਾਸ ਵਿਘਨ ਨਾਸ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਰਾਵ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
परमजीत कौर वालों भाई गुरचरण सिंह जी की सलाना याद च आत्मा नूं शांति बछनी सुरिंदर सिंह मकान विकण ते कारोबार दे वाधे लई दिंदर कौर वीजा लगन लई ते जंत चंगी पढ़ाई वास्ते बलविंदर कौर नाम वणी जुड़न लई बीबाइयां वालों बच्चों पेपरां सफलता वर्जी सराह छुट्टा लई सुदेश सिंह प्रवान गुरसिखी जीवन जसविंदर सिंह संदीप कौर आपसी प्यार प्रवाह इतफाक चढ़दी कला रमिंदर सिंह जसविंदर कौर तंदुरुस्ती वास्ते देरुगता लई गुरबख्श सिंह हरमनप्रीत सिंह सुरिंदर सिंह अजीत सिंह परमप्रीत सिंह सुदेश सिंह बलिंदर कौर सुरिंदर कौर सवाल कौर जसप्रीत हरजिंदर कौर गुरमीत कौर किशन कौर घर शांति उन्हों का नाश कारोबार के वाधे लाभ कौर लाल सिंह अमरजीत सिंह हरजीत सिंह सुजीत सिंह गुरमीत सिंह हरदीप सिंह बलजीत सिंह गुरदेव सिंह गुरबाज सिंह गुरमीत कौर हरचरण कौर जसपाल कौर वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ तन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन काए है सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दाहो जिस पास बैठे आसो ही है सबना दावे साहो जिस पास बैठे आसो ही है सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ तिलंग घर दूजा महला पंजवा तुद बिन दूजा नहीं कोए तू करतार करें सो होए तेरा जोर तेरी मन टेका सदा सदा जप नानक का तुद बिन दूजा नाही कोई तू करतार करें सो होए तेरा जोर तेरी मन टेका सदा सदा जप नानक का सब ऊपर पार ब्रह्म दा तारा तेरी टेक तेरा आधार रहा है तू होवनहार अगम गाद ऊच अपार जो तुद सेवै तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिसै सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप सिमर 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 जन सोय नानक कर्म प्राप्त हो जिन जपया तिस को बलहार तिसकै संग तरह संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूरा संत जना की बाछो तूर जिन जपया तिस को बलहार तिसकै संग तरह संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूरा संत जना की बात।